बाढ़ ना आ जाए, मैं डूब गई तो सोचने की तो बात है ही। हेलो माय ब्यूटीफुल जनता, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और क्योंकि मैं रात में बहुत लेट सोई थी, आपको तो पता है कितना टेंस का माहौल है, तो नींद ही नहीं आती है, तो मैं बहुत लेट सोई थी। तो आज मैंने सोचा कि सुबह ही थोड़ा व्लॉग स्टार्ट करो, कुछ दिखाऊं। तो अभी मैं जा रही हूँ गर्म पानी करने, क्योंकि मैं उठते ही पहले गर्म पानी पीती हूँ। तो मॉम ने ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है, गर्म पानी करते हैं। और हाँ, सुबह उठते आप लोग भी गर्म पानी जरूर पिया करिए, एक ग्लास, मतलब ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पानी तो हेल्थ के लिए, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, पानी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, जितना पीजिए उतना ही बेहतर है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मैंने आपको पानी का महत्व बता दिया, तो जो लोग नहीं पीते वो अब से करेंगे। सबसे सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले वो गर्म पानी पियेंगे, देन उनको जो भी करना है करें, क्योंकि आपको पता है गर्म पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये टिप्स मेरी तरफ से है। और आज हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, मुझे लग रहा है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हुई थी, बहुत ही बारिश हुई थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। और आपको एक और चीज़ बताना, अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं कुछ दिन तक ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग लेके आऊँगी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। और ये देखिए, आन्या ने किया है, एक दिन गुस्से में उसने फाड़ी दिया मेरी कॉपी, उसका यही काम है। अभी बज रहे हैं 4:30, मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग ना बैठ गया है, और अभी भी बारिश हो रहा है। तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी आज हो गई। मैं वीडियो शूट करते हुए एंट्री की किचन में, कि मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और जब मैं गई तो चाय के जो बर्तन थे वो धुले हुए नहीं थे। मैंने सोचा कि चलो धुल लेते हैं, उसके बाद चाय बनाते हैं, क्या मम्मी को डिस्टर्ब करें। और मैंने उसको वीडियो पे भी शूट कर लिया कि चलो देखो मैं वॉश कर रही हूँ, और मैं जब उसको वॉश करके पानी ऑन करी तो पानी है ही नहीं। फिर पता चला कि सुबह से ही लाइट कटी थी, तो मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि बड़े बड़े विंडोज़ हैं तो लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसम भी बहुत अच्छा था तो फैन भी नहीं ऑन किया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जस्ट थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और मैं तुरंत गई पानी ऑन की, चाय बनाई। और चाय बनते बनते, मतलब मुझे लगता है आधा चाय ही पका था कि लाइट चली भी गई। बहुत सुकून मिला कि हे भगवान जी, आपने मेरा साथ दे दिया। तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी छोटे ही छोटे व्लॉग लेके आऊँगी, तो आज का ये मेरा पूरे दिन का व्लॉग है। वो भी मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के टाइम में तो बीच में पढ़ना वो करना, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके गैपिंग कर दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम 6 से 17 तक है। तो और हाँ, विश मी गुड लक फॉर माई एग्जामिनेशन, ठीक है? और ये हम लोग स्नैक्स चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मैं लेके आन्या को आती हूँ छत पे, क्योंकि नीचे बहुत लाइट कटी थी, अंधेरा भी हो रहा था। तो मम्मी बोली छत पे चली जाओ थोड़ी देर के लिए, मूड भी फ्रेश। आने ए पोनो, अनु पोनो, कहाँ चमक रही है वो? देखो चिड़िया उड़ रही है। ये देखिए कौन आया है, छोटे से लड्डू गोपाल। इनको भी मम्मी लेके ऊपर आई थी, क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था, तो बोली नीचे छोड़ना इनको सही नहीं है, छोटे से तो बच्चे हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे व्लॉग देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हम लोग इसके बाद थोड़ा सा गोलगप्पे पार्टी हुए हैं, क्योंकि लाइट कटी हुई थी, लाइट काफ़ी रात में आई थी, तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। आन्या के साथ थोड़ा देर खेल रही थी बालकनी में, लाइट कटी हुई थी तो बहुत गर्मी रही थी, तुरंत लाइट आई थी। तो आन्या देखिए कितनी शैतानी कर रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।